एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सलेंस इन स्कूल में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्पेशली यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। सो एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का अर्थ है कि एक ऐसी प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस जिसके अंदर हम अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम इन चार चीज़ों को देखते हैं। दो अ पेयर ऑफ किडनी का मतलब है दो किडनी हमारे पास, राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। उसके बाद है अ पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर में एक ये जो यूरेटर दिख रहा है येलो कलर का, एक ये रहा और एक ये रहा, दो यूरेटर हैं हमारे पास। फिर एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद लास्ट ओपनिंग जो होती है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। और जो रेड कलर का हमें यहाँ पे वेसल दिख रही है इसे हम कहते हैं आर्टरी, और जो ब्लू कलर के दिख रही है उसे हम कहते हैं वेन्स। आर्टरी जो होती है, क्योंकि ये किडनी की आर्टरी है इसलिए इसे रीनल आर्टरी कहते हैं, और क्योंकि ये किडनी की वेन है इसे कहते हैं रीनल वेन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यूरिन बनता कैसे है। सो यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। सो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। किडनी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है, किडनी के अंदर से जब यूरिन फॉर्म होता है तो ये पाइप है यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर और ये है राइट यूरेटर। इन दोनों पाइप के थ्रू ये यूरिन यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, और यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी जब हेम्प होने लग जाती है तो हमें फील होता है कि हमें यूरिनल के लिए जाना है, तो यूरेथ्रा के सहारे ये यूरिन बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नेफ्रोन के बारे में। नेफ्रोन इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये मान लीजिए कि ये किडनी है हमारी, तो किडनी के अंदर छोटे 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 बहुत सारे नेफ्रोन हैं। मतलब किडनी जो बनी है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो नेफ्रोन से बना हुआ है, और किडनी के अंदर जो काम करने वाले सेल्स हैं वो भी नेफ्रोन ही हैं। तो नेफ्रोन जो है एक माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा सेल है जो किडनी का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर किडनी का नेफ्रोन से बना है और फंक्शन भी मेंटेन करता है। सो हमें कह सकते हैं नेफ्रोन इज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब इसके अंदर हाउ यूरिन फॉर्म्ड इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन कैसे बनता है ये हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में लगभग 3 मार्क का आता है। तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा हमें समझ पाएंगे कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन उससे पहले हम नेफ्रोन के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, ग्लोमेरुलस ये है, ये जो यहाँ पे कॉइल्ड ब्लड वेसल्स दिख रही हैं इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ग्लोमेरुलस जिस कैप्सूल के अंदर है उसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के बाद यहाँ पे ये ट्यूब, ये सारा ट्यूबुलर पार्ट है, और ये ऊपर वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब शुरू में है ये, और उसके बाद लास्ट में जो ये डक्ट है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस लास्ट वाले को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे लिखा है कलेक्टिंग डक्ट। सो बेसिकली 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट ये है जिसमें ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल है। दूसरा पार्ट ये है जिसमें ट्यूब्यूल की बात होती है, ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और अदर ट्यूब्यूल्स, और तीसरा पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो इन 3 को ध्यान में रखते हुए हम अगली स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है।
पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड्स फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रोन। सो बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रोन में होता क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लीटर ब्लड है हमारे पास, तो जब वो बोमेन कैप्सूल के ऊपर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है, इसको जूम करता हूँ मैं आपके लिए, हाँ यहाँ पे ब्लड आ रहा है बहुत तेज़ी से जिसके अंदर वेस्ट है, तो बोमेन कैप्सूल के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करता है, तो 100 लीटर ब्लड में से 90 लीटर ब्लड जो है वो अंदर इस ट्यूब्यूल में चला जाता है, 90 लीटर ब्लड, और बाकी 10 लीटर जो है वो यहाँ आ जाता है, यानी 10% यहाँ आ जाता है, 90% अंदर चला जाता है। तो ये पहला स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड्स फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वाटर होता है और अमाइनो एसिड होता है, ये सारा का सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू क्लियर हो जाता है, मतलब फिल्टर हो जाता है। तो जो फिल्टर हो जाता है वो अंदर की तरफ होके येलो वाले ट्यूब में चला जाता है जिसे हम ट्यूब्यूल कहते हैं, और जो फिल्टर नहीं होता, जाहिर सी बात है कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जैसे चाय छन्नी से चाय के पत्ते जो बड़े पीस होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो बहुत छोटे होते हैं वो चाय में चले जाते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में काम होता है। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। सो अभी मैंने आपको बताया कि 90 ml जो है, यहाँ पे शुरुआत में 100 ml था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 100 ml था, 100 लीटर था, 100 लीटर में 90 लीटर इधर चला गया, 10 लीटर यहाँ आ गया। अगर अगर यही कंडीशन बार बार अगर नेफ्रोन के अंदर होती रहेगी तो क्या होगा कि 90 लीटर ब्लड जो है वो इधर से यूरिन बन जाएगा, लेकिन हमें इस 90 लीटर में से सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस 90 लीटर में जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो इसके सराउंडिंग जो कैपिलरीज होगी, इस पूरे नेफ्रोन के सराउंडिंग जो ब्लड कैपिलरीज होगी उसके अंदर वापस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 80 लीटर वापस आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप है सिक्रीशन, नेक्स्ट स्टेप सिक्रीशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सिक्रीटेड इनटू ट्यूब्यूल विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। अब जो उसके अंदर 10 लीटर वेस्ट बच गया, यहाँ पे शुरुआत में 100 लीटर था, 100 लीटर यहाँ पे 100 लीटर था, यहाँ अंदर चला गया 90 लीटर, यहाँ बच गया 10 लीटर, अब यहाँ से वापस आ गया 80 लीटर, तो अब बचा कितना इधर, इधर बच गया 10 लीटर। अब ये जो 10 लीटर है, हर एक 100 लीटर वाटर में से 10 लीटर यूरिन फॉर्म होके बाहर चला जाता है, जिसमें यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये 100 लीटर, 10 लीटर, 90 लीटर, 80 लीटर आपको समझाने के लिए यूज़ किया गया है, बट ये ध्यान रखिए कि 100 लीटर में से 90 लीटर वापस आ जाता है, मतलब 90% वापस आ जाता है और 10% जो है वो वेस्ट यानी यूरिन की फॉर्म में चला जाता है। आप समझिए कि 1 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें 10 ml या 1 लीटर का 10% जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलना ही निकलना है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लाइफ प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था कि स्टोमेटा गार्ड सेल्स के द्वारा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, और उन ओपनिंग और क्लोजिंग के वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है। फिर एक्सेस वाटर रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, ये भी हमने पढ़ा था कि गर्मी के दिनों में प्लांट का जितना वेट होता है उसके 20 गुना वेट पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन यानी इस वेपर की फॉर्म में वो रिलीज कर देते हैं, और यहाँ पे बच्चा जो बैठा है अमित, इसको थोड़ी ठंडक महसूस होती है गर्मी के समय में जब वो प्लांट के नीचे पहुँचता है।
स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ऑफ प्लांट गेट ट्रांसपोर्ट एंड मूव्ड आउट बाय शेडिंग लीफ किलिंग, किलिंग नहीं है ये पिलिंग है, पिलिंग ऑफ बाग, फॉलिंग ऑफ फ्रूट जेम्स एंड रेजिन्स। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लीफ, जो पुराने लीफ हैं उनमें जाके स्टोर होने लग जाता है धीरे धीरे उसका वेस्ट प्रोडक्ट। और स्टोर कहाँ होता है, आपने पढ़ा होगा कि इनका प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल के अंदर वेस्ट जाके इकट्ठा होने लग जाता है, और उस वैक्यूल में वेस्ट इकट्ठा होता है जो लीफ गिरने वाली है यानी उनकी उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो उस स्टेम में, उस लीफ में और जो ट्री की जो छाल होती है जिसे हम बार्क कहते हैं वहाँ पे जाके स्टोर होता है और वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है। सो दिस इज़ द लास्ट ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर नहीं हो पाएगा तब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसके अंदर एक्सप्लेनेशन विद ऑडियो भेज सकता हूँ। इफ़ यू हैवेंट वॉच द कम्प्लीट चैप्टर, गो ऑन द लिंक वेयर क्लास 10th प्लेलिस्ट इज़ गिवन। सो अगर आपने इस पूरे चैप्टर को नहीं देखा है जिसके अंदर हमने मेन चार प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में, तो आप इस वीडियो लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है एकेडमिक एक्सलेंस इन स्कूल की प्लेलिस्ट क्लास 10th साइंस की, उसके अंदर आप जाके उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, यूरिन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखिए उस पर्टिकुलर पार्ट को और अच्छे से अपने आप को तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू वंस अगेन, वेरी वेरी, आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।